हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू ब्रेजा 2022। तो देख सकते हैं इसकी जो लुक्स हैं बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दी गई हैं पुरानी ब्रेजा से, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कर दी हैं, अलॉयज वगैरह में सब अलग। यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट ग्रिल की, ग्रिल वगैरह सब चेंज है, लाइट्स वगैरह। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर इसकी लाइट्स, तो कुछ इस DRL टाइप में लाइट हैं। यहाँ पर दो प्रोजेक्टर अवेलेबल हैं और नीचे फॉग लैम्प जो कि क्रोम के साथ अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर ये टोइंग हुक, तो एक बार फ्रंट लुक दोबारा देख लीजिए, रेड और ब्लैक के डबल टोन कॉम्बिनेशन में है ये, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी लग रही है। देखिए यहाँ पर आपको इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलते हैं और कुछ इस डायमंड का टॉलोई मिलता है, MRF का टायर्स है जिनकी प्रोफाइलिंग है 215/60R16 इंच के डायमंड का टॉलोई है। फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रियर ड्रम ब्रेक्स हैं। और यहाँ पर साइड पर ORM पर टर्न इंडिकेटर मिलता है आपको, वो पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड कीलेस एंट्री का ऑप्शन अवेलेबल है, वही सेम एज पहली वाली ब्रेजा की है। लॉक अनलॉक बटन बस वही सेम एज बलेनो वगैरह की, सबकी सेम है। तो आप देख सकते हैं की में कोई चेंज नहीं है। तो चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, जहाँ पर हाइट एडजस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। ये फैब्रिक सीट्स हैं, लेदर सीट्स नहीं हैं न्यू ब्रेजा में भी। यहाँ पर आपको डोर में चार पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं। और यहाँ पर एक क्रोम का यूज़ किया गया है पहली वाली ब्रेजा की तरह, बिल्कुल सेम एज। यहाँ पर बोतल होल्डर, यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में क्रोम टाइप में लाइन सी दी गई। यहाँ पर आपको 360 व्यू और HUD की सब, मतलब ट्रैक्शन ऑफ कौन का, लाइट्स के कंट्रोल। और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन अवेलेबल है। टॉप मॉडल का है बिल्कुल ZXi+, तो AK70। यहाँ पर कुछ इस टाइप की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें अवेलेबल है, जहाँ पर ये RPM वगैरह, यहाँ पर सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो होंगी, यहाँ पर स्पीडोमीटर वगैरह सब। और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, और यहाँ पर सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, फ़ोन काटने उठाने के सबके। और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन मिलता है स्टीयरिंग में। आपको स्क्रीन पर शो जाएगी कितने जिसकी डिस्प्ले है। और यहाँ पर दो AC के वेंट्स, यहाँ पर पार्किंग बटन, यहाँ पर ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स हैं सारे, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, USB का ऑप्शन, यहाँ पर ए स्पेस। और यहाँ पर 5 मैनुअल ट्रांसमिशन में है ये, और कुछ इस टाइप का हैंड ब्रेक। यहाँ पर 2 कप होल्डर का भी ऑप्शन है, और कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है, छोटा सा स्टोरेज है इसके अंदर। यहाँ पर इसके ये ऑटो एडजस्टेबल है। यहाँ पर टिकट होल्डर है सिर्फ, कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है। यहाँ पर लाइट और सनरूफ का कंट्रोल है। और यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर, एक वैनिटी मिरर है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं सनरूफ ज़्यादा बड़ी नहीं है, बच्चे के हिसाब से ठीक है, फिर मतलब बच्चा आराम से निकल सकता है, पर बड़ा नहीं निकल पाने का ज़्यादा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इतना बड़ा कुछ ग्लव बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। यहाँ पर इसमें आपको वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स, इंडिकेटर वगैरह के कंट्रोल्स सब यहाँ पर ऑप्शन के अवेलेबल हैं। यहाँ पर मतलब पूरा एक बार नई ब्रेजा का पूरा इंटीरियर देख लीजिए, पूरा चेंज इंटीरियर है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम कर दिया पहली ब्रेजा से। स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज बढ़ा दिया है, मतलब पूरा प्रीमियमनेस ला दी है। यहाँ पर देखिए जो ये फिनिश है आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, थोड़ा रफ रफ सा, बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरीन सा लगता है ब्रेजा में। देख लीजिए एक बार, पूरा ओवरव्यू ले लीजिए। स्मार्ट हाइब्रिड इंजन के साथ आई हुई है, तो यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर बैजिंग मिली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑन करके भी दिखाया जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सारे, मतलब यहाँ पर आपको यहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हैं पहले की तरह, वही स्टिक्स ही दे दी हैं ब्रेजर में, ये रही हैं जैसे अर्टिगा में आती हैं सेम। और देख लीजिए यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, 360 व्यू सब कुछ अवेलेबल है। देख लीजिए यहाँ पर एक बार आप, पूरा ब्लूटूथ वगैरह सब का ऑप्शन है, एंड्रॉइड एप्पल सब का ऑप्शन है इसमें। एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन भी है इसमें डोर में। यहाँ पर अगर आप कुछ दिख रहा हो, बहुत ही ज़्यादा डीप सा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी है। न्यू ब्रेजा के अंदर आपको 4 हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि चारों ही एडजस्टेबल हैं। अब चलते हैं इसके सेकेंड रो की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट कुछ ज़्यादा ही पीछे हुई हुई है, तो इस वजह से थोड़ा मतलब ठीक, फिर भी बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब आराम से 5 लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको आर्मरेस्ट के साथ 2 कप होल्डर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं दी गई है, पीछे की तरफ लाइट है यहाँ पर। और यहाँ पर पल्सर ट्रे का भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। और आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे निकल सकता है सिर्फ सनरूफ में, कोई बड़ा नहीं निकल पाएगा।
यहाँ पर इसमें आपको हुक का ऑप्शन अवेलेबल है, अगर कुछ सामान टांगना वगैरह हो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज जो सब में आता है, और यहाँ पर ये दो एसी वेंट्स अवेलेबल हैं और दो नीचे चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सीट बेल्ट को एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से पुल करके, और ऊपर नीचे जैसा आपको एडजस्ट करना हो वैसे कर सकते हैं आप। पीछे वाली डोर में आपको बोतल होल्डर का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर डोर्स वगैरह में स्पीकर और वहाँ पर ट्विटर टोटल कितने हैं वो सब आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, कितने टोटल स्पीकर हैं कितने ट्विटर हैं। यहाँ पर इसमें आपको ग्रैब हैंडल अवेलेबल है हुक के साथ, इधर भी ग्रैब हैंडल है हुक के साथ, आगे ग्रैब हैंडल है लेकिन इसमें हुक अवेलेबल नहीं है, इधर कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर के साथ सिल्वर रूफ लेंस, बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन मस्त बैठा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर स्पॉइलर, स्टॉक लैम्प, 360 कैमरा व्यू के लिए, टीयर वाइपर, डिफोगर दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। मारुति का लोगो, ब्रेजा की ब्रेजिंग है पूरी, पिटारा से बाहर हटा दी गई है ब्रेजा से। और यहाँ पर देख सकते हैं लाइट बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बिल्कुल वेलार जैसी लाइट लगती हैं, देख सकते हैं आप ध्यान से अगर पास से करें तो बिल्कुल ऐसा लगे जैसे वेलार की लाइट हो। यहाँ पर चार रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको अवेलेबल है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स दो अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी कैमरा 360 व्यू के लिए सब कुछ अवेलेबल। यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे का ऑप्शन अवेलेबल है, अगर हटानी हो तो आप यहाँ से हटा सकते हैं पार्शियल ट्रे को। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा कितने लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको स्टोरेज सा मिलता है देख लीजिए आप, और यहाँ से आप इसे ऐसे हटा सकते हैं। इसमें आपको स्पेयर टायर दिया गया, अलॉय नहीं दिया गया, MRF का ही टायर है, 255/60 R16 की प्रोफाइलिंग है इसके अंदर। और यहाँ पर एक बूट में लैंप भी अवेलेबल है आपको, और यहाँ पर हुक वगैरह भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर में साइड में जो ग्लाइडिंग दी गई हुई है, और यहाँ पर नीचे सिल्वर कलर की, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है यहाँ पर। ये स्मार्ट हाइब्रिड इंजन के साथ आ रही है, तो स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग भी दी गई है पीछे की तरफ। मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यारी लगी वो बैक लाइट लगी, आप भी कमेंट करना सबसे ज़्यादा प्यारा ब्रेजा में आपको क्या लगा। जैसे कि बहुत से लोगों की ब्रेजा से शिकायत थी कि मतलब कोई भी फेसलिफ्ट नहीं आ रहा है, या फिर मतलब इंटीरियर में कोई अच्छा सा, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारा ब्रेजा बना दी है और कितनी बेहतरीन सी लगती है अभी एक, और इंटीरियर पूरा प्रीमियम कर दिया गया है। तो एक बार अगर आप किसी गाड़ी को सोच रहे हैं तो एक बार ब्रेजा ज़रूर देख लें, अगर आपको अच्छी लगे तो 4-स्टार रेटेड कार आएगी जहाँ तक ये भी, क्योंकि पहली 4-स्टार रेटेड थी। आज हम आपके लिए लाए ब्रेजा का 2022 का वॉक अराउंड रिव्यू, तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी, थैंक यू सो मच, और सजेस्ट करना कि कौन सी वीडियो आपके लिए लाई जाए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए उसी वीडियो को लाकर रखें।